Hey guys, welcome back again on channel, Oxygen. हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज से 30 करोड़ साल पहले ऑक्सीजन धरती पर 35% मौजूद था। यदि ऑक्सीजन आज की तुलना में दोगुनी हो जाए, यानी कि 35 से 40 के आसपास हो जाए, तो क्या होगा आपको पता है? कागज से बने हवाई जहाज ज्यादा देर तक हवा में उड़ेंगे, जो आप बचपन में उड़ाया करते थे। हमारी गाड़ियां कम पेट्रोल डीजल में ज्यादा दूर तक जाने लगेगी। हम आज की तुलना में ज्यादा खुश और एक्टिव रहेंगे, मतलब कि सुस्ती खत्म और अब तक के खेलकूद में बने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। कीड़ों मकोड़ों का आकार भी बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनका आकार ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। और हम कम बीमार पड़ेंगे और ज्यादा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा ताकतवर रहेगा उस वक्त पे। लेकिन हम जल्दी से जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन आज ऑक्सीजन 21% है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो चलिए जानते हैं ऑक्सीजन के कुछ फैक्ट्स के बारे में और उसकी खोज के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ऑन स्पेक। वैसे हमारे हिंदुस्तान में तो ऑक्सीजन के बारे में हमें सैकड़ों सालों से पता है। ऑक्सीजन, जिसे हम हिंदी में प्राणवायु कहते हैं, उसका उल्लेख हमें कई हमारी पौराणिक शास्त्रों और ग्रंथों में मिल जाएगा। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, तो जैसे आप ये स्कल्पचर देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन पे, वो है वायुदेव का स्कल्पचर, जो गोकर्णेश्वर महादेव टेम्पल गोकर्णा काठमांडू नेपाल में है, जिसमें आपको वायुदेव को दिखाया गया है, जिसे हम प्राणवायु के या हवा के देवता कहते हैं। लेकिन इन ब्रिटिशर के लिए ऑक्सीजन की खोज 247 साल पहले ही हुई है। तो चलिए इनकी भी ऑक्सीजन की थ्योरी जान लेते हैं। 247 साल पहले ऑक्सीजन की खोज हुई। ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक ने इसका नाम डिफ्लोजेस्टिकेटेड एयर दिया। 1774 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्ले ने मर्क्यूरी ऑक्साइड को जलाकर डिफ्लोजेस्टिकेटेड एयर की खोज की थी। यही गैस आगे चलकर प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन के नाम से जानी थी। इससे पहले पूरी दुनिया एक सवाल का जवाब का पर्दा करने में लगी हुई थी। ये सवाल था कि आखिर चीजें जलती कैसे है। अलग अलग लोग हवा में अलग अलग पदार्थ जलाकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हवा में कुछ तो ऐसा होगा कि जिसकी वजह से आग जलती है। 18वीं शताब्दी के आसपास इस सवाल का जवाब पाने के लिए वैज्ञानिकों के प्रयास काफी बढ़ गए थे। 1772 में स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल विलहेम सील एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने मैग्नीज ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट और कई एलिमेंट को मिलाकर गर्म किया। इन्हें गर्म करने पर एक गैस निकली। सील ने देखा कि इस गैस में चीजें ज्यादा तेजी से जलती है, साथ ही जीव जंतु इस गैस से ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। सील ने ऑक्सीजन की खोज कर ली थी, लेकिन उन्होंने इसका नाम फायर एयर नाम दिया। इस एक्सपेरिमेंट के ठीक 2 साल बाद 1774 में इंग्लैंड के जोसेफ पिस्ले भी इसी तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगे। पिस्ले का मानना था कि पूरी की पूरी हवा आग जलाने में सहायक नहीं होती, केवल हवा का कुछ हिस्सा ही आग जलाने में मदद करता है। अपनी इस थियरी को प्रूव करने के लिए पिस्ले ने 1 अगस्त 1774 को एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बंद बर्तन में रेड मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म किया। गर्म करने के बाद जो हवा निकली, उससे उसको दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लिया। उन्होंने इस हवा में जब एक जलती हुई चीज रखी, तो वह चीज ज्यादा तेजी से जलने लगी और इसी हवा में चूहे भी साधारण तुलना में ज्यादा देर तक जिंदा रहे। इस तरह 1774 में प्राणवायु गैस ऑक्सीजन की खोज हुई। हालांकि पिस्ले ने ऑक्सीजन को डिफ्लोजेस्टिकेटेड एयर नाम दिया था। उनका मानना था कि क्योंकि इस हवा में फ्लोजिस्टिन नहीं है, इसलिए यह जलने में ज्यादा मदद करती है। अभी तक ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम नहीं मिला था। 1770 में और एक वैज्ञानिक इटोइन लेवाइजर ने भी ऑक्सीजन पर स्टडी की और उन्होंने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम दिया और पहली बार बताया कि ऑक्सीजन एक केमिकल एलिमेंट है। साथ ही चीजों को जलने में ऑक्सीजन की भूमिका को भी डिटेल में दुनिया को बताया। अब सवाल ये उठता है कि कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद और कई सारे वैज्ञानिकों के नाम जानने के बाद कि ऑक्सीजन की आखिरकार खोज किसने की। 1772 में सील ने ऑक्सीजन की खोज कर ली थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्टडी को कहीं पब्लिश नहीं किया था। इसके उलट 1774 में पिस्ले ने ऑक्सीजन की खोज भी कर ली थी और उसने अपनी स्टडी को पब्लिश भी किया था। इस वजह से पिस्ले को ऑक्सीजन का खोजकर्ता माना जाता है।
ऑक्सीजन के कुछ रोचक फैक्ट्स जानने से पहले, यदि आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ऑक्सीजन का पहला फैक्ट ये है कि दुनिया में सबसे अच्छी हवा वाला देश एस्टोनिया है और दुनिया की सबसे खराब हवा वाला देश मंगोलिया है। ऑक्सीजन का दूसरा फैक्ट ध्यान से सुनना, अगर 5 सेकंड के लिए धरती से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो पता है क्या होगा? दिन में भी अंधेरा छा जाएगा और हमारे पैरों तले से जमीन खिसक कर 10 से 15 किलोमीटर नीचे चली जाएगी। ऑक्सीजन का तीसरा फैक्ट, जीवन के हर 10 साल बाद फेफड़ों की क्षमता 5% घट जाती है जिससे कि ऑक्सीजन की खपत कम हो जाती है और लगभग सभी कैंसर ऑक्सीजन की कमी के कारण ही शुरू होते हैं। ऑक्सीजन का चौथा फैक्ट, हवाई जहाज में जो ऑक्सीजन आपातकालीन में ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है उससे आज तक एक भी व्यक्ति की जीवन नहीं बचाई गई। मतलब अगर आप एरोप्लेन में बैठे हो तो ऊपर से आता है ना ऑक्सीजन मास्क, उससे एक भी व्यक्ति की अभी तक जान नहीं बची। ऑक्सीजन का पांचवा फैक्ट, ये फैक्ट मेरा भी फेवरेट है, जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मैं भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि धरती पर हर 2000 साल में एक बार रिन्यू होती है पूरी ऑक्सीजन, मतलब पुरानी ऑक्सीजन चली जाती है और नई ऑक्सीजन आ जाती है। ऑक्सीजन का छठा और आखिरी फैक्ट ये है कि अगर सच में 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन चली जाए या गायब हो जाए तो कंक्रीट से बनी सारी बिल्डिंग ढेर हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, आप शायद किसी सिविल इंजीनियर से जरूर पूछ सकते हैं। तो बस आज के ऑक्सीजन के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इंजीनियरिंग के वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।